सूबे की सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए। वाकई क्या क्या नहीं झेला इस दौर में, लोगों का गुस्सा भी झेला तो सियासी कुर्सी के लिए इधर से उधर दौड़ भी लगाई, लेकिन जो भी हो बस बच गई सरकार हमारी। चलिए बात करते हैं असल मुद्दे पर। मुद्दा वाकई गंभीर है और जुड़ा है राजस्थान की जेलों से। शायद इन 2 सालों में यह पहला मौका था जब हुकूमत के मुखिया ने भी जेलों के हालात पर चिंता जताई, निर्देश भी दिए कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई कि सरकार को इस और भी चिंता जतानी पड़ी और सुधार करने के निर्देश देने पड़े। चलिए अब आपको उसकी वजह भी बता देते हैं। दरअसल राजस्थान के अमूमन कई जेलों से पिछले काफी वक्त में कई वो तस्वीरें बाहर आई जिसके बाद जेलों की सुरक्षा पर तो सवाल उठे ही, वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत भी सबके सामने उजागर हो गई। आपको याद होगी वो तस्वीरें भी जब राजस्थान की कई बड़ी जेलों में कैद नामी बदमाशों ने सोशल मीडिया पर जेलों के अंदर से ही अपनी करतूतों को वायरल किया, कई बार हड़कंप भी मचा, लेकिन वक्त गुजरा तो सब कुछ शांत हो गया। अब सवाल ये था कि आखिर जेलों के अंदर मोबाइल की एंट्री कैसे हुई। जाहिर है कि बिना मिलीभगत के ऐसा संभव नहीं, फिर चाहे वो मिलीभगत निचले स्तर पर हो या फिर ऊपरी लेवल पर, लेकिन हाँ सांठगांठ हुई जरूर। अब मोबाइल की एंट्री को तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो चम्मचों को ही हथियार की शक्ल दे दी जाती है और फिर उन्हें दबंग कैदी कई बार इस्तेमाल भी कर लेते हैं। प्रदेश के कई जेलों में पिछले कुछ वक्त में छापेमारी के दौरान नशीले पदार्थ भी बरामद हुए, मोबाइल बरामद हुए, सिम बरामद हुई, चार्जर बरामद हुए और इसके अलावा कई दूसरी आपत्तिजनक वस्तुएं भी यहाँ से बरामद की गई। अब सवाल फिर वही कि आखिर इन आपत्तिजनक वस्तुओं की एंट्री हुई तो आखिर कैसे, किस रास्ते से वो सामान अंदर तक पहुंचे। जाहिर है सब कुछ सांठगांठ के जरिए। ऐसा नहीं कि जेल महकमे के आला अधिकारियों को इस बात की खबर नहीं, और ऐसा भी नहीं कि सूबे की सरकार को इस बात का पता नहीं, लेकिन सरकार भी सिवाय निर्देश देने के कर भी क्या सकती है। उन निर्देशों को अमली जामा तो अधिकारियों को ही पहनाना होता है। लगता है इस बार सरकार के कानों में इस तरह के मामले कुछ ज्यादा ही ताकत से पहुंचे हैं और हमारी सरकार ने फिर कड़ाई के आदेश भी दिए हैं। दरअसल हाल ही में सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने एक मीटिंग में इस तरह के मामलों पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन साहब मजा तो उस वक्त है जब ऊपरी निर्देशों की पालना सख्त तरीके से हो, क्योंकि वो निर्देश नीचे आने तक हवा हो जाते हैं। कहते भी हैं कि डर के बिना प्यार भी नहीं होता, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। हालात तो यह है कि आज भी अगर राजस्थान के कुछ जेलों की आकस्मिक जांच हो तो वही पुरानी तस्वीरें मिल जाएंगी। दरअसल कई बार तो कैदी कुछ इस तरह से आपत्तिजनक वस्तुएं अपने साथ ले जाते हैं कि तलाशी लेने वाले भी फेल हो जाते हैं। जेलों के अंदर दबंग कैदियों की दादागिरी, वसूली के खेल और जेल के अंदर से ही अपने गुर्गों के जरिए बाहर आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवाना, ये सब तो आम हो चला है। कई बार पुलिस जांच भी करती है, लेकिन वो इतना वक्त ले लेती है कि जांच का औचित्य भी खत्म हो जाता है, और जाहिर है जेलों के अंदर से गुनाह का खेल जारी ही रहता है। बहरहाल सरकार अब जागी है, बस जरूरत है दूसरे जिम्मेदारों के जागने की भी, ताकि उनके माथहत भी जाग जाएं। जो आरोप यहाँ के जिम्मेदारों पर लगते हैं, जेलों के अंदर से गुनाह की जो तस्वीरें सलाखों से बाहर आती है वो रुक सके, ताकि फिर ना हो सके सलाखों से गुनाह। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।